सो गाइज फाइनली आज के वीडियो में बात करेंगे Realme 3 Pro के डिवाइस में Realme UI का लेटेस्ट अपडेट 3.08 विद सितंबर सिक्योरिटी पैच का अपडेट एट लास्ट कब तक प्रोवाइड किया जाएगा Realme की तरफ से एंड साथ में बात करेंगे इसी सितंबर वाले अपडेट के अपडेट लॉग एंड पैच के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड सपोर्ट एंड आज की वीडियो में आपकी पूरी मदद की जाएगी। देन दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Realme 3 Pro के डिवाइस में 3.08 का अपडेट कब तक प्रोवाइड किया जाएगा Realme की तरफ से। तो भैया जी ये अपडेट आपको इसी हफ्ते में देखने को मिल जाएगा जो कि Realme 3 Pro एंड 5 Pro बोथ डिवाइसों में देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपको पता होगा चाइना में Realme 3 Pro के डिवाइस के लिए 3.07 का अपडेट रोल आउट कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे 3.07 लेटेस्ट वर्जन है। तो ऑलरेडी चाइना में ये अपडेट रोल आउट हो चुका है, इंडिया में अभी भी बाकी है। तो भैया जी इसी हफ्ते में Realme 3 Pro डिवाइस के लिए भी ये अपडेट रोल आउट कर दिया जाएगा। Realme 3 Pro में इसमें काफ़ी सारे नए नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि भैया जी ऑफकोर्स सबसे पहले नंबर पे सितंबर 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड कर दिया गया है Realme की तरफ से। एंड सेकेंड नंबर पे आपको आपके Realme लैब में काफ़ी सारे फीचर्स और भी प्रोवाइड किए गए थे ऑलरेडी। एंड यहाँ पे आपको सुपर नाइट टाइम स्टैंड माई का भी फीचर देखने को मिल जाएगा इसी सितंबर वाले अपडेट के अपडेट लॉग में। एंड बात करें अगले फीचर के बारे में तो यहाँ पे एक न्यू ऐप भी ऐड किया गया है Realme की तरफ से जिसका नाम फ्लूप है। फ्लूप ऐप एक चाइनीज ऐप है भाई, इंडिया ऐप है ये मेरे को नहीं पता, बट ये ऐप भी ऐड कर दिया जा सकता है इसी सितंबर वाले अपडेट के अपडेट लॉग में। एंड यहाँ पे चौथे फीचर के बारे में बात करें भैया जी एडेड डिफॉल्ट आउटडोर रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑप्शन, मतलब ये भी फीचर न्यू फीचर ऐड किया गया है Realme की तरफ। एंड यहाँ पे आपके एडिशनल सेटिंग में प्रोसेस मैनेजर में जाने के बाद डीप क्लिप का फीचर ऐड कर दिया गया इसी सितंबर वाले अपडेट के अपडेट लॉग में। एंड यहाँ पे और भी काफ़ी सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं जैसे कि मैं आपको कॉमन बता देता हूँ, जैसे कि भैया जी आप जब अपने फोन में स्क्रीन शॉट लेते थे यहाँ पे स्क्रीन शॉट कॉलिंग का भी फीचर ऐड कर दिया गया इसी सितंबर वाले अपडेट के अपडेट लॉग में। एंड अगर बात करें अगले फीचर के बारे में तो आपके अबाउट फोन वाले सेक्शन में जहाँ पर IMEI नंबर रहता है वहाँ पे भी लॉन्ग प्रेस को ऐड कर देगा, मतलब जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे अपने IMEI नंबर पे तो वहाँ पे आपका IMEI नंबर कॉपी हो जाएगा। एंड बात करें अपडेट्स के रिलेटेड तो भैया जी जहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट्स जो है ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पे अपडेट इसलिए रोल आउट कुछ फ़ोन में कर दिया गया, कुछ फ़ोन में इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली चेक किया जा रहा है भाई इसमें कोई बग्स तो देखने को नहीं मिला, बिकॉज अगर बग्स देखने को मिल गया तो पूरा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि भैया जी बात कुछ ऐसी रहती है जैसे कि अभी रिसेंटली में Realme 5 फ्रिज के यूजर को 3.55 का अपडेट जो रोल आउट किया गया था उसमें काफ़ी सारे बग्स देखने के कारण 3.57 का न्यू अपडेट रोल आउट करना पड़ा Realme को। यहाँ पे मतलब बग्स देखने के खातिर कंपनियाँ जो हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा चेक करके अपडेट्स को प्रोवाइड करना मांगता है। एंड यहाँ पे अगर बात करें भाई ये अपडेट रोल आउट होने के बाद कितने दिन के बाद आपके फ़ोन में रिव्यू हो जाएगा तो विद इन 7 to 10 days के अंदर आपके फ़ोन में ये अपडेट अवेलेबल हो जाएगा रोल आउट होने के बाद। क्योंकि जो भी अपडेट्स होते हैं IMEI नंबर के थ्रू रोल आउट किए जाते हैं किसी भी स्मार्टफोन में, लाइक डेट Realme 3 Pro 5 Pro कोई भी फ़ोन आप ले सकते हैं। क्योंकि भैया जी जैसे Realme 3 Pro का डिवाइस हो गया इनका जो भी IMEI नंबर है जैसे कि उनकी एक लिस्ट रहती है एंड उस लिस्ट में एक रेशियो निकाला जाता है, एक बैच बनाया जाता है 5-5% का, भाई कितने फ़ोन है Realme 3 Pro को यार, तो आप एक बैच बनाया जाता है एक बार सब में अपडेट प्रोवाइड कर दिए एंड उसमें कोई बग्स देखने को मिल गया तब तो भाई कंपनी तो गई, मतलब फिर से अपडेट बनाना पड़ेगा, फिर से रोल आउट करना पड़ेगा, इसीलिए अपडेट को रोल आउट करने में इतना समय लगता है। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको फीचर बताया जैसे कि नाइट टाइम स्टैंड बाई मोड एंड यहाँ पे इसके साथ ही साथ आपको सुपर पावर पेडिंग मोड का भी फीचर मिल सकता है, हालांकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है। ये जो भी मैंने फीचर बताया आपको सभी एक्सपेक्टेड फीचर है एंड ये सभी फीचर और भी फ़ोन में देखने को मिले आप देख सकते हैं Realme X एंड XT के डिवाइस में। हालांकि यहाँ पे डीपी डाइविंग का फीचर फिर देखने को नहीं मिला बिकॉज Realme 3 Pro के डिवाइस में डीपी डाइविंग का फीचर सपोर्टेड नहीं रहेगा बिकॉज इसमें एमोलेड डिस्प्ले का यूज नहीं किया गया है। फॉर फ्रेंड फिट एंड यार बहुत सारा थैंक्स। एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन हो जाइए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स की न्यूज सबसे पहले मिलती रहे।